How are you? I hope you all are fine and fit and doing good things at your home. Today in this video, I am going to explain you the chapter of class 5, that is Rip Van Winkle. In this video, we will understand the meaning of this chapter. So let's get started. Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. बच्चों ये जो स्टोरी है ये रिप वैन विंकल की है. वो कैसा आदमी था? लेजी मैन था. लेजी मैन मतलब आलसी था बट गुड नेचर था. उसका जो बिहेवियर था वो अच्छा था. हु गोज़ अवे इन टू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप, जो कि पहाड़ों में जाके सो जाया करता था. वैन ही अवेकन्स 20 ईयर लेटर रिप फाइंड दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड. जब वो 20 साल बाद उठा बच्चों, मतलब वो 20 साल तक सो गया. व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, 20 साल बाद, रिप फाइंड उसने क्या पाया, दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड. कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी थी. बच्चों यहाँ तो एक साल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मगर 20 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो गया होगा, है ना. चलिए आगे चलते हैं. मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल ऑफ द कैटस्किल माउंटेन. मैनी ईयर्स अगो का मतलब होता है बहुत साल पहले. एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन, माउंटेन ये एक कैटस्किल माउंटेन का नाम है. उसका फुट हिल्स का मतलब होता है बच्चों, मैं आपको बना के बताता हूँ. जैसे कि ये माउंटेन है, ठीक है ना, लाइक दिस इज़ ए माउंटेन. तो फुट हिल क्या होगा, ये वाला जो उसके ग्राउंडेड एरिया होगा, इसको बोलते हैं फुट हिल एरिया. ओके, तो वॉज ए लिटिल विलेज. वहाँ पर, यहाँ पर क्या थी, एक छोटी सी विलेज था, एक छोटा सा गांव था. इन दिस विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. और इसी विलेज में कौन रहता था, एक सिंपल साधारण अच्छा व्यवहार का, जिसका नाम था रिप वैन विंकल, वो रहता था यहाँ पर. ही वॉज ए काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनी वन. वो क्या था, एक काइंड नेबर भी था, मतलब एक दयालु पड़ोसी भी था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए बच्चों रेडी रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. और जो सबकी मदद करते हैं बच्चों, उनको सब लोग पसंद करते हैं ना. आप भी एक दूसरे की मदद करते हो या नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए. चलिए, तो एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और सभी उसको क्या करते थे, लाइक करते थे, प्यार करते थे. द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय. जो उस गांव के बच्चे थे वो उसको देख के खुशी के मारे चिल्लाते थे. वेन एवर दे सॉ हिम, जब भी वो उसको देखते थे. क्यों चिल्लाते थे बच्चों, बिकॉज ही प्लेड विद देम, वो उनके साथ खेला करता था. ही प्लेड विद देम, ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स. वो उन बच्चों को क्या सिखाया करता था, पतंग उड़ाना और मार्बल्स जो गोलियां होती हैं उनको शूट करना, कंचों को मारना सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको बच्चों कहानियां भी सुनाता था. सब बच्चों को कहानियां तो बहुत पसंद आती हैं ना. वेरी गुड. इसके बाद क्या होता है, द ओनली प्रॉब्लम विद द रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. जो एक ही प्रॉब्लम थी रिप के साथ, वो ये थी कि वो बहुत लेजी था. लेजी मतलब बच्चों आलसी था. क्या आप आलसी हैं, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में. ही डिड नो वर्क ऑन हिज फार्म. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. वो अपने फार्म मतलब जो उसके अपने खेत थे, अपने जो खेत थे उन पर वो कोई काम नहीं करता था. एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम. आइडल अवे मतलब ऐसे टाइम पास करता रहता था. हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेज. फेंसेज मैं आपको बच्चों बताता हूँ, जैसे कि ये आपका खेत जो होता है उसके हम चारों तरफ क्या लगाते हैं, एक जाल लगाते हैं, जिससे कि बाहर से जानवर आके उसको खा ना ले, ठीक है. ये होती है हमारी फेंसिंग. तो फेंसिंग को, ये है फेंसिंग जो कि फार्म के बाउंड्री पर लगी हुई थी. ये भी टूट के क्या हो गई थी, पीसेस में टूट चुकी थी. ओके, हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. और उसकी जो काउ थी वो मतलब आवाराओं की तरह घूमती रहती थी इधर उधर. वीड्स, वीड्स क्या होते हैं बेटा, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे घास वास जो होती है, ग्रू ऑन हिज फार्म. और उसकी जो खेतों में मतलब जंगली, आप कह सकते हैं जंगली पेड़ उगने लग रहे थे.
रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, मगर रिप का जो हमेशा का साथी था वो उसका डॉग था, उसका कुत्ता था, पालतू कुत्ता, जिसका नाम था वॉल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, और वो काम से बचने के लिए कौन, रिप वैन विंकल क्या करता था बच्चों, वो फॉरेस्ट मतलब जंगल में चला जाता था अपने डॉग के साथ। एक दिन क्या होता है, वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन क्या होता है बच्चों, रिप वैन विंकल चलता जाता है और जैसे ये पहाड़ होते हैं, ठीक है ना, ये मैंने बताया था, इसको बोलते हैं फुट हिल, ऐसे चढ़ता जाता है और एकदम यहाँ पर पहुँच जाता है, कौन, रिप वैन विंकल, यहाँ पर चढ़ जाता है। इट वॉज लेट इन दी आफ्टरनून वैन ही रीच देयर, और काफ़ी दोपहर हो चुकी थी जब वो वहाँ पहुँचा था। टायर्ड मतलब थका हुआ था आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब मतलब चढ़ना, वो पहाड़ चढ़ने के बाद काफ़ी थक गया था। ही ले डाउन, वो वहाँ लेट जाता है एंड बिगिन डे ड्रीमिंग, और दिन में ही सपने सोचने लगता है। इट वॉज सून इवनिंग, और जल्दी इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है, एंड ही रियलाइज ही वुड बी नाइट, इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, और वो सोचता है कि गांव पहुंचते तो मुझे रात हो जाएगी। इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। ये है बेटा रिप वैन विंकल, यू कैन सी हिज पिक्चर, ओके, बच्चों के साथ खेलते हैं, ये एंजॉय करते हैं, हम अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल। अचानक से क्या होता है बच्चों, उसको एक आवाज सुनाई देती है, क्या आवाज सुनाई देती है, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ, वो आसपास देखता है अपने और उसको दिखता है अ शॉर्ट, एक छोटा बूढ़ा आदमी जिसके मोटे बाल थे एंड ग्रिजल्ड बियर्ड मतलब एक घनी दाढ़ी थी, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद ए बैरल, उसकी तरफ चलता आ रहा था, उसके पास क्या थी, बैरल होता है बच्चों एक तरह से टैंक टाइप का समझ सकते हैं आप, जिसमें कुछ चीज़ें स्टोर करी जाती हैं। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और वो उसको साइन मतलब इस तरीके से इशारे करता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, किसकी, रिप वैन विंकल की, क्या मदद चाहिए थी, जो उसके पास बैरल थी वो चाहता था वो बैरल वो कौन उठा ले, रिप वैन विंकल उठा ले। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप जैसे ही देखता है उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है, हु कॉट हिज हैंड टाइटली, टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस, और उसका हाथ टाइट से पकड़ता है और वो दोनों ही एक साथ एक जगह पर पहुँचते हैं, टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैंस, वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर उसी तरीके के कुछ और लोग भी थे, प्लेइंग नाइन पिंस, और वो क्या खेल रहे थे, नाइन पिंस खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, और उन सबकी ड्रेस एक जैसी थी। देखिए बच्चों यहाँ पर ये है, ठीक है ना, ये सारे ओल्ड मैंस हैं, ठीक है, जिनकी बियर्ड है और थिक हेयर्स हैं, सबने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स, बियर्ड्स मतलब बेटा ये दाढ़ी होती है, ये बियर्ड है, ठीक है, ये दाढ़ी है, इसको बोलते हैं बियर्ड, ओके। ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड एंड वेरियस शेप्स ऑफ कलर, और सबकी दाढ़ी जो थी अलग अलग कलर की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस, क्या था, इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस, ठीक है ना, जबकि वो गेम खेल रहे थे पर उनके फेसेस कैसे थे, सीरियस थे और एकदम साइलेंस, सन्नाटा था वहाँ पर। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, और जो केवल वहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी वो केवल और केवल बॉल्स की आ रही थी,
विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। और जो वो जो आवाज़ थी बॉल की बच्चों, वो इस तरीके से पहाड़ों में गूंज रही थी जैसे कि मानो थंडर आया है, मतलब किसी तरीके का भूकंप टाइप का, और आप थंडर को कह सकते हैं मतलब कोई जैसे बादल फट रहा हो इस तरीके से। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद फिक्स्ड गेज। जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन जो उसका साथी था वो वहाँ पहुँचते हैं, दे स्टॉप्ड प्लेइंग, वो क्या करते हैं खेलना बंद करते हैं, स्टेयर्ड मतलब घूरते हैं उसको, किसको रिप को, विद ए फिक्स्ड गेज, एक टकटकी लगा के उसको देखते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप क्या हो जाता है फ्राइटेंड, मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था डर जाता है, ठीक है ना। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक। और उसका जो कंपेनियन था, जो साथी था, वो क्या करता है एम्प्टी मतलब खाली करना, जो बैरल में जो भी कंटेंट था बच्चों वो उसको ग्लासेस में कर देता है और रिप को बोलता है पीने के लिए, एंड मेड रिप ड्रिंक इट। रिप ओबेड, रिप जो होता है, रिप वैन विंकल जो होता है वो उसकी बात मानता है। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर के मारे कांप रहा था, सिंस क्योंकि ही वॉज थ्रस्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या था थ्रस्टी मतलब बच्चों प्यासा था, तो वो कुछ और ग्लासेस पी जाता है। एंड स्लोली फेल इन टू अ डीप स्लीप, और धीरे ही वो क्या होता है गहरी नींद में सो जाता है। कौन? रिप वैन विंकल। ऑन वॉकिंग अप, ऑन वेकिंग अप, जब वो उठता है, ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और वो जब उठता है तो वो पाता है कि वो वहाँ पर है जहाँ पर उसने पहली बार उस आदमी को देखा था, किसको, उस ओल्ड मैन को। ही रब्ड हिज आइज, वो अपनी आँखों को रब करता है, मलता है उनको। इट वॉज ए ब्राइट सनी मॉर्निंग, और वो क्या थी एक सनी मॉर्निंग मतलब अच्छा कड़क सूरज निकला हुआ था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ड हेयर ऑल नाइट, और वो कहता है पक्का मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं सोया हूँ। ऐसा कौन सोचता है, रिप सोचता है। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ, बच्चों वॉल्फ कौन था आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हु वॉज वॉल्फ, बट ही वॉज नो वेयर। रिप विसल्ड फॉर हिम, विसल्ड माने सीटी बजाना, रिप क्या है उसके लिए सीटी बजाता है, वॉल्फ वॉल्फ। ही देन शाउटेड, नो डॉग वॉज टू बी सीन, वॉल्फ कौन था डॉग था, किसका रिप वैन विंकल का। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ये जो डॉग है ये कहाँ गया। ही मटर टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही कहता है। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और फिर वो डिसेंड मतलब पहाड़ से नीचे उतरता है अपने गांव जाने के लिए। हियर यू कैन सी द पिक्चर्स of this Rip Van Winkle story. As he neared the village, जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचता है, he met a number of peoples, but he did not know any of them. As he neared the village, जैसे ही बच्चों वो विलेज के पास पहुंचता है, he met a number of peoples, but he did not know any of them, पर वो किसी को भी नहीं जानता था उनमें से, ठीक है, but he did not know any of them. ठीक है, the villagers also stared at him equally surprised, और जो villagers थे वो जो लोग थे वो भी उसको बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं कि ये कौन है, who is this man, who is this man मतलब ये कौन है। Said one, एक कहता है उनमें से, I have never seen him before, मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा है। Said another, दूसरा भी ये कहता है, look at this long white beard and his wrinkled face, एक दूसरा आदमी कहता है देखो इसकी लंबी दाढ़ी को और wrinkled face को। On hearing this, Rip stroked his chin and to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. तो रिप जो है अपनी चिन को देखता है, चिन माने ठोड़ी, उसको देखता है और बहुत सरप्राइज हो जाता है, और वो पाता है जो उसकी दाढ़ी थी बियर्ड, जो बियर्ड माने दाढ़ी, वो क्या है अब फुट लॉन्ग, एक फुट लंबी बराबर हो गई थी, और वो पूरी क्या हो गई हो चुकी थी, इट वॉज ऑल वाइट, वो वाइट हो चुकी थी।
एंड ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम, और एक ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है एंड लुक्ड एट हिज फेस, उसके फेस की तरफ देखती है फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए. देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर वो कहती है, इट इज रिप वैन विंकल. ये कौन है? ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन. और वो उसके जो विलेजर्स थे वो उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये हमारा कौन है, ओल्ड नेबर है, हमारा पड़ोसी है. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम इन 20 साल लंबे साल कहाँ थे, इतने 20 सालों से कहाँ पर थे तुम, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. तो रिप वैन विंकल जो पी के सो जाता है वो 20 साल तक सोता रहता है, और उसको लगा था कि वो सोया ही नहीं है. ओके, अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन आर्विंग. ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस वीडियो. आई होप यू डेफिनेटली एंजॉयड इन दिस वीडियो. इफ यू एंजॉयड देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द channel. If you are new to this channel, do subscribe the channel, the CBSE Explosion. Thank you for watching this video. Have a wonderful day. Bye bye.